ਸਾਵਾਦਾ ਵੀਰ ਮੈਨੇ ਸਿੱਖਾ ਪਧਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਮੀ वेल सर जी, वो जो बाहर जिन जिन से भी आपका संपर्क हो रहा है उनका कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है, ये जो वर्क चल रहा है इसके बारे में? सभी लोग बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। एक तो टाइम की वजह से बहुत से लोग शनिवार को काम पे होते हैं तो इसलिए वो जुड़ नहीं पाते। दूसरा ये है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, इनका आपस में 12 घंटे का डिफरेंट है। तो वहाँ वहाँ दिन जैसे, तो हम मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि दो तीन साथियों को साथ लेकर हम दो सेक्शन में अपनी ये मीटिंग कर लें, एक ईस्ट के लिए और एक वेस्ट के लिए। वेस्ट में हम यूके और कनाडा एंड अमेरिका, सॉरी यूरोप एंड कनाडा एंड अमेरिका ले लेंगे, और ईस्ट में हम यूएई और ये ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ले लेंगे। तो लोग काफी हैं जो इससे कहना चाहते हैं, वे सुनना चाहते हैं, जुड़ना भी चाहते हैं, लेकिन समय की वजह से कई बार प्रॉब्लम आ रही है। तो ये नहीं, आप चाहें तो डेट चेंज करा सकते हैं, अगर मान लो उनको सैटरडे में है, क्योंकि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो आपको मंडे कंफर्टेबल है, मंडे में वहां संडे होता है, तो हम तो मंडे भी कर लेंगे, हमें क्या, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ सारे बराबर है। मैं पूछ के बता दूंगा आपको, कल उनसे सभी से बात करके ना, दोनों को आज ही रात को मैं बात कर लूंगा, तो कल को मैं बता दूंगा आपको कि वैसे ये बात ऑलरेडी हमने रखी हुई है कि भाई हम दो मीटिंग करेंगे, एक मीटिंग एक दिन में यूरोप एंड कनाडा एंड अमेरिका के लिए होगी और दूसरी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएई के लिए होगी। तो देखते हैं कैसे इसका सेटअप होता है। एक आपकी तरफ से अगर छोटे छोटे वीडियो बन जाए ना, मैंने तो आपको कई साल से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके पास इतना ज्ञान है, वो आप लेके साथ मत निकल जाना, कहीं दिक्कत हो जाएगी, उसको सब यहीं दे के जाओ आप। जो आपका कहीं नहीं जाएंगे, आपने इसमें कोई शक नहीं, आपने बहुत देर हो गई आप मुझे ये कह रहे हैं। मैं कई उलझनों में झगड़ा हुआ हूं और अपने आप को फ्री करना चाहता हूं, लेकिन मैं हो नहीं पा रहा। लेकिन एक तो मेरी बिजनेस का काफी है कि लॉकडाउन ने मेरा बहुत काफी सामान जो है वो ब्लॉक कर दिया, तो मेरे उसकी भी चिंता, सारा पैसा मेरा उसमें ब्लॉक हो गया। तो मैं चाहता हूं कि ये जो खुले और मैं किसी भी दाम पे इसको इधर उधर करके अपना पैसा वापस करूँ। दूसरा ये है कि भाई मेरे घर में हम तीन सीनियर सिटीजन्स हैं, मैं हूँ, मेरा बड़ा भाई है, मैडम है, और सभी को ध्यान में रखते हुए कई बार मैं जितना समय अपने आप को देना चाहता हूँ वो उतना दे नहीं पा रहा। मैं ये किसी के ऊपर कोई ये नहीं कह रहा कि भाई वो कोई मेरे से सिम्पथी करे या कोई ऐसी करे, ये मेरी नलायकी है कि भाई मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तीसरा ये है कि भाई मैं एक सेंटर में ऐसी फिगर हूँ जो ईस्ट, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के लोगों से भी बहुत जुड़ा हुआ हूँ, और यूरोप और कनाडा अमेरिका के लोगों से भी के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। और मेरी कोशिश है कि भाई ये मैं अपने जीते जी एक ऐसा लिंक आप लोगों को के लिए, जो श्रमण संघ के लिए बना के छोड़ जाऊँ कि मेरे जाने के भी बाद ये जो प्रयास है आपका, जो प्रोजेक्ट है आपका, ये रुके नहीं बल्कि ये दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। तो ये इन बहुत से ऐसे विचार हैं जिनमें मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, कंफ्यूज नहीं है, उलझा हुआ हूँ। जैसे जैसे ही समय हो रहा है, अभी मेरा जैसे पहले मेरी सर्जरी का था, वो सर्जरी का अभी मेरा ठीक ठाक हो गया, वो एक हेडेक मेरी खत्म हो गई। अभी न्यूयॉर्क में अभी ये जो ओमिक्रॉन है, इसने भी एक और फिर तहलका मचा रखा है कि सारा यूरोप और अमेरिका फिर लॉकडाउन के कंगार पे पहुंचा हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ, मुझे आधा घंटा, पौना घंटा, दो घंटे, डेढ़ घंटा, जितना भी मैं मिलता हूँ, मैं आपके बीच में आता हूँ और अपनी आप लोगों की बातें भी सुनता हूँ। इससे मुझे बहुत सा ज्ञान भी मिलता है और बहुत से लोगों से जानकारी भी होती है, उनसे जान पहचान भी हो जाती है।
लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि न्यू ईयर में जो एक रिजोल्व भी कर दूं कि भाई मुझे एक हफ्ते में कम से कम एक वीडियो जरूर बना के डालनी है, जो मैं आपका कोशिश करता हूं। मैं ये वचन तो नहीं देता कि भाई मैं जरूरी करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा, हो सकता है कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। धन्यवाद। आपको सिर्फ पहली वीडियो बनाने में दिक्कत आएगी भैल साहब? वीडियो बनाने में मुझे दिक्कत नहीं है, मैंने पहले भी मान लो जैसे आप इंटरव्यू में कई बार मैं इंटरव्यूज में भी जाता हूं, जैसे बहुत से जो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं वो कई बार मुझे इंटरव्यू करते हैं कि भाई आपने लंदन में आप कैसे पहुंचे या आपने क्या किया, कैसे कैसे बिजनेस में आए, सारा ऐसा पूछते रहते हैं। वीडियो बनाने की दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज हो सकती है कि अगर आप में से कोई एक जिम्मेदारी ले ले तो एक घंटे की या आधे घंटे की वो मेरी इंटरव्यू ले ले, तो उससे मुझे मेरा मसला ज्यादा हल हो जाता है। बिना तैयारी के ही आप मुझसे कोई सवाल पूछने पूछिए और मैं जवाब दे दूंगा और वो एक वीडियो बन के आ जाएगी आपके सामने, ये भी हो सकता है। नहीं, आपकी तो वीडियो जो आप यहाँ बोलते हैं, जो कल वाली वीडियो थी वो आज आपकी लग गई है, उसमें उसको टाइटल दिया है मन की बात, भैल साहब की मन की बात जी। तो वो तो जो आप यहाँ रिकॉर्ड करते हैं वो तो बना देते हैं, तो मैं इंटरव्यू कर लूंगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। वो जब भी आपके पास टाइम हो जूम पे हम इंटरव्यू कर लेंगे, तो वो वीडियो बननी चली जाएंगी आपकी। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी नए साल तक तो आप मुझे थोड़ा एक्सक्यूज करिए, नए साल में मैं 2 या 3 तारीख को एक वीडियो बना के डालूंगा, उसके बाद में हम उसके ऊपर आगे के लिए चर्चा करेंगे। मैंने कल्याणी साहब को ना कई बार रिक्वेस्ट किया था, मैंने कल्याणी साहब आप ये स्पीच देते हो तैयार करके आते हो, ये तो ऐसी हवा में चली जाएगी, क्या रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। अगर यहाँ वीडियो बना के डालेंगे तो वो लोगों के पास में रहेगा, कल को कोई उसकी किताब भी दिख सकता है। तो उन्होंने मेरी बात सुन के अनसुनी कर दी, वो जितना कैडर देते थे वो सारा चला गया। ऐसे ही उनका वो जो अपने मुक्सर साहब हैं, उनका वीडियो भी नहीं बनाया किसी ने, बस जो इंटरव्यू वगैरह होते रहे वो प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू नहीं आया उनका, मतलब वीडियो नहीं आए उनके। एक्चुअली क्या है कि जो एंकरिंग या जो इंटरव्यू करने वाला है उसके पास भी सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए कि मैं जो सवाल कर रहा हूँ इसका अगर मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जवाब नहीं आता तो मैं इसको काउंटर क्वेश्चन कैसे करूँ। ये सभी के ये जो समझदारी है ये सभी लोगों के पास नहीं होती। एक्चुअली इंटरव्यू करवाने वाला जो आदमी है वो आपके अंदर से क्या निकालना चाहता है निकाल सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे लोगों के पास ये ट्रेनिंग नहीं है, हम तो काम करते हुए ही वक्ता बन गए, हम काम करते हुए जूम मीटिंगों में आकर इंटरव्यू देने वाले बन गए, हम काम करते हुए प्रचारक बन गए, तो हमको स्किल्ड किसी भी फील्ड में जो स्किल्ड नहीं है। ट्रेनिंग जो है वो उसका अपना एक रुतबा है। जैसे मैंने बिजनेस का ट्रेनिंग लिया तो मुझे चाहिए था कि भाई मैं बुद्ध धर्म का भी लूं, लेकिन मैं चाहता था कि भाई मैं विपक्षना में जाऊं और 10 दिन का शिविर लूं, लेकिन मैं वो ले नहीं पाया, मुझे आज तक उस चीज का दुख है, लेकिन क्या करें। वो तो आपके आपके इंग्लैंड में सेंटर है, मैंने एक अपने मित्र को भेजा था वहां पे। दो सेंटर है हमारे यहाँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाना। थोड़ा मेरे ख्याल में 80 पाउंड का टिकट है रेल का। ऑनलाइन बुकिंग होती है सर, उसकी चिंता नहीं है मुझे 80 पाउंड की, या मतलब जाने की इसकी चिंता नहीं है। चिंता है कि भाई मैं इतना समय क्या मैं अपनी बिजनेस से डिटैच हो पाऊंगा, ये है, क्योंकि मेरा सामान बहुत रुका हुआ है अपनी लॉकडाउन की वजह से ना, मैं थोड़ा परेशान हूँ उसकी, लेकिन ये भी चिंता नहीं है, वो भी कल को नहीं भी होगा तो भी मैं कोई इसको इस चिंता से फेल हो जाने वाला नहीं हूं, लेकिन हो जाए तो अच्छा है, सिंपल इज दैट। ठीक है जी जी जी। बैल साहब आपके लिए 2 लाइन कह रहा हूं मैं सर। जी बोलिए जी। जो हवाओं में चरागों को जला देते हैं जी, वो इरादे आपकी मंजिल का पता देते हैं जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके जो इरादे हैं सर वो नेक हैं, और जब वादे अक्सर टूट जाते हैं और कोशिशें कामयाब होती हैं, आप कोशिश करते रहिएगा, आप जरूर कामयाब होंगे सर।
बिल्कुल बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश तो मैं जब तक मैं टांगों के ऊपर चल सकता हूँ तो डिस्टेंस इज टू फार, जब तक मैं बोलता हूँ नो टॉपिक इज अनस्पीकेबल, बोल लो जाओ उसको, अनएसोसिएटेबल नहीं है कि भाई किसी भी टॉपिक पे। और मेरी एक एक मुझे समस्या रहती है कि भाई अगर एक हम विषय लें हैं और एक विषय को ही डीपली डिटेल से जाने कि भाई क्या है, जैसे मान लो एक कास्ट का विषय लेते हैं तो कास्ट की डिटेल में जाने, इसने क्या नुकसान किया, कहाँ से कैसे ओरिजिन हुई, उससे क्या किसको लाभ हुआ किसको नुकसान हुआ, और हमारे बच्चों को हम क्यों रैंसम पे होल्ड कर रहे हैं कि वो भी, अगर मैं मतलब सफाई कर्मचारी का बेटा हूं तो मेरे घर में सफाई कर्मचारी का ही बेटा हो, तो ये ऐसी चीजों की डिटेलफुल अगर हम करें तो मुझे लगता है उसका ज्यादा रहेगा। होता क्या है, मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सी फंक्शनों में कि भाई एक विषय हम लेते हैं और एक विषय के बीच में सात विषय और उसके साथ जुड़े होते हैं, तो और अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत से जो सोशल मीडिया के जो ये चैनल्स हैं वो बहुत सी समस्याओं के ऊपर बात करते हैं लेकिन उसका सोल्यूशन कोई भी नहीं बताता, कि ये समस्या तो है सभी को दिखाई देती है लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है, कैसे उसको ओवरकम कैसे हो। देखते ही देखते जो देश आए वो कहाँ से आसमान से जमीन पे गिर गया और सारे लोगों के लिए क्या क्या समस्या खड़ी हो गई हैं, लेकिन ये कैसे सॉल्व करना है इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। हर कोई यही कहता है इकट्ठे होना है इकट्ठे होना है, और बहुत से लोग तो मैं किसी का नाम नहीं लेता ऐसे कहते हैं कि भाई जो मैं जानता हूँ दूसरा कोई जानता ही नहीं, तो फिर ऐसे लोग कैसे आपके साथ जुड़ेंगे। जब तक आपकी मानसिकता ही ये रहेगी कि जो कुछ मैं जानता हूँ वही सब कुछ ठीक है और कोई जानता नहीं है, लेकिन मुझे तो 30-40 साल में आप जो जानते हैं उससे समाज को कोई लाभ होते दिखाई नहीं दिया। बस ये है कि आप फंक्शन आफ्टर फंक्शन हर साल में एक फंक्शन कर लेते हैं या दो फंक्शन कर लेते हैं, तो उससे लाभ तो कुछ नहीं हुआ ना। मैं तो वो एक ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढ रहा हूँ, एक ऐसी संस्था ढूंढ रहा हूँ जो समाज के अंदर एक चेतना इतने बड़े पैमाने पे क्रिएट करे जिसकी वजह से लोग हमारे साथ जुड़े और अपने अधिकार के लिए अपनी लड़ाई लड़े। जो मेरी लड़ाई नहीं है, जो आपकी जो सुधीर जी की लड़ाई नहीं है जी, ये सभी की लड़ाई है और सभी लड़ेंगे तो ही हम जीत पाएंगे। तो इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, हर एक की अपनी अपनी, भारतीय संविधान ने हर एक को एक अधिकार दिया हुआ है कि वो जिस रास्ते पे चलना चाहता है, जैसी विचारधारा रखना चाहता है रख सकता है, इस पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन सोच हमें ये करनी है कि उस विचारधारा से मेरे समाज को, मेरे आने वाले बच्चों को और उनके आगे आने वाले बच्चों को कौन सा रास्ता मिलने वाला, कौन सा अधिकार बचने वाला, कौन सा चले जाने वाला है। अगर हम इन पे करेंगे तो शायद हम जल्दी इकट्ठे हो जाएंगे। इसीलिए मैं श्रम संघ से बहुत मेरी उम्मीद है कि ये जो चीज़ें और ऑर्गेनाइजेशंस जो चीज़ें और हमारे दूसरे संगठन नहीं कर पाए वो ये संघ करेगा, और इन्हीं बातों से इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आपकी मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं बहुत ही खुश हूँ आप लोगों से मिलकर, इसलिए जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं आपके साथ जुड़ जाता हूँ। धन्यवाद, जय भीम, नमो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच भैल सर। क्या अब कंक्लूड कराया जाए सर, परिहार सर कंक्लूड कराया जाए क्या? कटके सर से कराइए। हाँ कटके सर। हाँ सर, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ सर कि आज का इस कार्यक्रम को, जो आज के हमारी जूम मीटिंग है, इसको सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। आज हमें सुधीर सर से एक नई हमें वीडियो बनानी है। वो मुझे कई बार बोल चुके हैं कि आपको भी वीडियो बनाना है। मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि 8 बजे मैं निकलता हूँ, रात को 8:30-9 बजे घर आता हूँ, लेकिन मैं इस संडे को मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, 2-3 वीडियो बनाऊंगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। दूसरी बात यह है सर, कल का जो महिला का दिन है उसके लिए हमें फैमिली के साथ जुड़ना है ये पक्का, और 31 तारीख को और 1 तारीख को हम कोरेगांव भीमा के ऊपर एक विशेष रखेंगे, यही इतनी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ।
और मैं आज बैल सर का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमारे लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि उनके साथ हमने बहुत काम किया है, उनका इंटरनेशनल नेटवर्किंग बहुत है। सर आप अगर वीडियो बना लेते हो ना तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। सभी को धम्मरात्रि, नमो बुद्धाय, जय भीम। सर साधु 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 साहब आपको विशेष धम्मरात्रि। आपको भी धम्मरात्रि धम्मरात्रि बहुत बहुत शिवरात्रि धम्मरात्रि गुड नाइट धम्मरात्रि नमो बुद्धाय जय भीम गुड नाइट जय भीम नमो बुद्धाय जय भीम नमो बुद्धाय जय भीम नमो बुद्धाय जय भीम नमो बुद्धाय जय भीम लाल पोर के पने भाई बच्चा कौन जय भीम जोरा जोरा बोलते जय भीम नमो बुद्धाय जय भीम नाम है उज्जवल जय भीम नमो बुद्धाय। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Singam Singam Gachami.